चैनल बिका तो बहुत टाइम तक हम मालकान को ढूंढते रहे कि मालकान है कौन, उनका ताल्लुक कहाँ से है, यू नो एजेंडा क्या है। देखिए मेकअप रूम के अंदर कैमराज होते हैं ये सबको पता है, और बोल के अंदर किस हद तक कैमराज का एक्सेस है ये शायद आप नहीं जानते। मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं जानती हूँ वहां पर ऑडियो वीडियो सब चीजें रिकॉर्ड होती है, प्रॉपर उसका एक सिस्टम है। मैं आपको बिल्कुल ये सच बात बता दूं, उसके बाद हम 100% केयरफुल हो गए थे। हम कपड़े चेंज नहीं करते थे चैनल के अंदर, हम जो ड्रेसेस पहन के आते थे घर से उन्हीं ड्रेसेस के अंदर हम ऑन एयर जाते थे, और ऑन एयर जाने से पहले भी हम बड़े प्रॉपर तरीके से अपनी माइक फिक्सिंग और बाकी सब चीजें करते थे। जो लोग बैठे हुए वो बहुत ही बेबाक हैं, बहुत ही निडर हैं, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, तो किसी बंदे का खौफ होना तो बहुत ही दूर की बात है। तो अब वो कहीं से भी कंट्रोल हो रहा हो क्या फर्क पड़ता है। अब तो वो एक छोटा सा चैनल बन के रह गया है जिसका नाम लेना भी शायद पसंद नहीं कर रहा जी। मेरी सौरभ 3 महीने की सैलरी उनके पास पड़ी हुई है और पता नहीं कि वो कब रिलीज होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट न्यूज एंकर शाइस्ता शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले बोल के साथ ये काम करती रही हैं, लेकिन बोल के अंदर जो हालात बने हैं उनकी ये कहानी है, जो ये भी बयान करती हैं, कुछ और भी साफी बयान करते हैं। शाइस्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? आप भाई ठीक ठाक? हम तो अक्सर आपको देखते थे, आजकल आप स्क्रीन पे नहीं आते, खैरियत से हैं? जी सराब, बस कुछ चीजें जो हैं वो तो मैंने अपने ट्विटर पर सब लोगों को बताई हैं, और कुछ वीडियोस की सूरत में भी कुछ आधे और कुछ अधूरे जो फैक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। आई होप आपको भी कुछ चीजें पता होंगी कि रिसेंटली जब शेर शेख से बोल चैनल लिया गया था और उसके बाद नई इंतजामिया ने टेक ओवर किया था, तो उसके बाद से चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी, और हमने ये बियर भी किया 4-6 माह तक, लेकिन बेहतरी की तरफ जाती भी नजर नहीं आ रही थी, जिसका जिक्र मैंने किया। और उसी पर हालिया 4-5 दिन पहले मुझे चैनल से निकाला भी गया नौकरी से, इस वजह से नजर नहीं आ रही। ये जो शोएब शेख साहब के बाद जो जो नई मैनेजमेंट आई है, ये कौन लोग हैं? जी सर, आप जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अलीम खान ने समा चैनल खरीदा था, आपके इल्म में होगा, तो सबको पता था कि समा खरीदा गया है, अलीम खान ने खरीदा। लेकिन जब हमारा चैनल बिका तो बहुत टाइम तक हम मालकान को ढूंढते रहे कि मालकान है कौन, उनका ताल्लुक कहाँ से है, यू नो एजेंडा क्या है, तो वो हमें पता नहीं था। लेकिन अभी जब हमें पता चला है तो अभी तक हमारे पास जो इत्तला थी बोल में काम करने वाले लोगों के पास वो यही थी कि देवो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये चैनल खरीदा है और समीर चिश्ती उसको उसके ऑनर हैं। जी और ये भी कुछ खबरें हैं कि कोई मेजर साहब है जो इस वक्त बोल के सारे इंतजाम को देख रहे हैं। नहीं, मेजर साहब जो है ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एक्चुअली, वो तो उनके पास एक डेजिग्नेशन था जो वो देख रहे थे चीजों को कुछ टाइम के लिए, और अभी वो उस पोस्ट पर भी नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं, एज एडवाइजर वहां पर काम कर रहे हैं, पर एज अ पोलिटिकल एडवाइजर काम कर रहे हैं, तो वो तो चीजों को नहीं देख रहे। ने शायस्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जाहिर की फिर आपका सारा पूरा कैरियर एज एन एंकर टीवी पर काम करते हुए, स्क्रीन एक रिकग्निशन, फैम, लोग आपको जानते थे, पहचानते थे, और ऑल ऑफ अ सडन रिजीम चेंज के बाद जो आपकी जिंदगी में ये हालात बदले हैं, इनको आप कैसे, किन अल्फाज में डिफाइन करोगे? सर, सब लोग परेशान है वैसे तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। ओवरऑल हमने एक मीडिया में बहुत बड़ा चेंज देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं हमने उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा, और जिसको सिर्फ मैंने या आपने नहीं, देखने और सुनने वालों ने भी महसूस किया। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितनी अवेयरनेस है लोगों के बीच में कि कौन सा चैनल कौन सी लाइन कौन सा ट्रैक पकड़ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जब हुई थी तो डेफिनेटली हमारा एक 10-12 साल जो करियर था वो भी मुतासिर हुआ। और अब आप देखें कि सहाफी की साख रह क्या गई है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है कि एवरी सिंगल पर्सन नोज कि ये सहाफी क्या बोलता है, चैनल पे बैठ के क्या बोलता है या सोशल मीडिया पर बैठ के क्या बोलता है। तो इसने ना हमें एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज हमें ये दी है कि सब चीजें एक्सपोज होके रह गई है, एवरी सिंगल पर्सन इज नाउ एक्सपोज बैडली, उसकी सोच क्या है, वो किस ट्रैक पर है, वो किस लाइन पर है, वो गलत क्या बोलता है, वो सही क्या बोलता है, सारी की सारी जो चीजें हैं आवाम ने उसका निचोड़ निकाल के रख दिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन बोल तो बड़ा प्रोमिनेंट चैनल था, और फिर हमने देखा कि बोल ने अक्रॉस द बोर्ड रिपोर्टिंग की है, ऐसा नहीं था कि बोल बिल्कुल एक साइड चला गया था, बोल सबकी रिपोर्टिंग कर रहा था, हर तकरीर, हर जी स्पीच, हर जलसा, हर मजलिस दिखा रहा था। एंड मसला जहां पर जाकर महसूस हुआ ये था कि शायद महसूस किया गया कि बोल के ऊपर इमरान खान की वो चीजें दिखाई जा रही हैं जो दिखाई दिखाने से मना किया गया था। लेकिन देखिए ये तो फिर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर चीज आ जाती है ना, एडिटोरियल पॉलिसी जो लोग बनाते हैं उनका ये क्रेडिट होता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, कितना दिखाना चाहते हैं, किस हद तक दिखाना चाहते हैं। तो शुएब शेख ने अगर सच और हक दिखाना चाह तो
तो ये उनका इस्तेहकाक है, वो दिखा सकते हैं, उनका चैनल है, वो ऑनर है। लेकिन हम वर्कर्स जो अभी इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो चीजें हो रही है उसमें तो हमारा कोई पार्ट भी नहीं था। देखिए ना, हमारी तो कोई गलती नहीं थी उसके अंदर। हम तो न्यूज एंकर हैं, जो हमारे पास प्रॉम्प्टर पे चीज आएगी, जो हमें दी जाएगी, हमें तो वही रीडिंग करनी है। हम कोई प्रोग्राम एंकर, मैंने तो कोई प्रोग्राम नहीं किया कि मैं कोई एक एजेंडा सेटिंग कर रही हूँ, कोई लाइन लेकर कर रही हूँ, ऐसा मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था। इवन सुमैया रिजवान भी जिनको निकाला, बुशरा हक भी जिनको निकाला, बड़े बड़े नाम है मीडिया इंडस्ट्री के जिनको निकाला, तो ये सब के सब शिकार हुए हैं बेसिकली। अभी बहुत बुरी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हालात मीडिया इंडस्ट्री में बन रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बनेंगे, अभी ये रुके नहीं है। सुमैया रिजवान साहबा की एक वीडियो वायरल है जहां पर वो बकायदा खुलकर ये कह रही है कि उनके साथ तो बड़ी ज्यादती की गई, लेकिन कह रही है कि मौजूदा जो मैनेजमेंट है ये ऑल न्यूज की खवातीन एंकर को बुलाते हैं, उनकी हैरेसमेंट करते हैं, उन्हें उनके उनके साथ डांट डपट करते हैं, बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, इसके अंदर कितनी सदाकत है? पर आप जो आप बात करें कि मैनेजमेंट का जो रवैया है खवातीन को लेकर, जिसका सुमैया रिजवान ने अपनी वीडियो में जिक्र किया, वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी दूसरे वर्कर से पूछ सकते हैं, ये तो इसमें झूठ वाली बात ही कोई नहीं है। लेकिन उसकी रीजन क्या है ये हमें नहीं पता, कि ये जो रवैया खवातीन के साथ स्पेसिफिकली उनको टारगेट करके रखा जा रहा है, ये किसी के कहने पर हो रहा है, या जो नई मैनेजमेंट के लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन है, उनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनको वहां पर वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो उनकी दूसरी कंपनीज हैं जैसे डेवो है या दूसरी कंपनी चला रहे हैं, वहां की भी शायद यही पॉलिसी होगी जिसको वो बोल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की, एक मीडिया हाउस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वहां पर भी खवातीन के साथ इसी तरीके से इस्तेहसाल होता होगा जिस तरह टीवी चैनल पे बैठ के बैठे हुए हम लोगों के साथ हो रहा है, वहां पर हो रहा था। अच्छा नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ इसको। तारिक मदीन साहब ने इसके ऊपर व्लॉग किया है, उन्होंने डिस्कस भी किया है। अब इसको इसके इसके बारे में आप बताइए कि ठीक है कि गलत है। सुनने में आ रहा है कि कहा गया है कि तारिक, बहुत सारी एंकर्स को ये कहा गया है कि हम आपकी वीडियोज भी जारी कर देंगे। अब मुझे नहीं समझ आए कि वीडियोज भी जारी करने से क्या मुराद है। आप लोग जाहिर है उनका मेकअप रूम होता है, चेंजिंग रूम होता है, या फिर आप लोग माइक शाइक लगा रहे होते हो, तो ये क्या ये बात दुरुस्त है कि ये भी कहा गया खवातीन को कि आपकी वीडियोज भी जारी कर देंगे? जी सौरभ, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है जो जो ये एक खास किस्म का स्टेटमेंट रोटेट कर रहा है ना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है और बहुत ही पथेटिक सोच रखने वाले लोग ऐसा कर भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं, उनसे कोई भी चीज बईद नहीं है। देखिए, मेकअप रूम के अंदर कैमराज होते हैं ये सबको पता है, और बोल के अंदर किस हद तक कैमराज का एक्सेस है ये शायद आप नहीं जानते। मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं जानती हूँ वहां पर ऑडियो वीडियो सब चीजें रिकॉर्ड होती है, प्रॉपर उसका एक सिस्टम है। तो जो शख्स ये कह रहा है कि उसके पास खवातीन की वीडियोज है, तो गालिबन इसी किस्म की कोई वीडियोज होंगी। चेंजिंग रूम होता है, समटाइम्स आप जल्दी में होते हैं, कुछ चीजें आप कर रहे होते हैं, माइक लगा रहे हैं, वट एवर, आप समझ सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। तो इस तरह की वीडियोज से वो प्रेशराइज करके हमें नहीं खुद को एक्सपोज करेंगे बेसिकली। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एक र्यूमर है जो जो हम तक पहुंचा है, क्या आप तक भी ये खबर पहुंची है कि कुछ खवातीन को बोल के मैनेजमेंट ने ये कहा है? जी एग्जैक्टली, ये बातें जब मैं वहां पर काम कर रही थी तो मैंने तब भी सुनी थी, और उसके बाद हम बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए थे। मैं आपको बिल्कुल ये सच बात बता दूं, उसके बाद हम 100% केयरफुल हो गए थे। हम कपड़े चेंज नहीं करते थे चैनल के अंदर, हम जो ड्रेसेस पहन के आते थे घर से उन्हीं ड्रेसेस के अंदर हम ऑन एयर जाते थे, और ऑन एयर जाने से पहले भी हम बड़े प्रॉपर तरीके से अपनी माइक फिक्सिंग और बाकी सब चीजें करते थे। हम बहुत बहुत केयरफुल हो गए थे, और अभी भी जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो इस कदर केयरफुल हैं कि वो अपने मुंह से जो निकली हुई बात है उसको भी 10 बार सोचते हैं पहले और फिर निकालते हैं। मेरे लिए बहुत ये खौफनाक हद तक ये शॉकिंग है। ये फिर इसका मतलब है कि ये फिल्माया जाता रहा बोल के अंदर और ये सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये चलती रही है। अब ये तो वो लोग बता सकते हैं जिनके पास ये पूरा डेटा है, वो उसको किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, अभी तक तो कुछ क्लैरिटी हमारे पास आई नहीं है। हम तो अभी तक अपनी सैलरीज का रोना रो रहे हैं कि जो ड्यूज आपके पास हमारे पेंडिंग है एटलीस्ट हमें वो अदा कर दें। आपको कितने जो माह लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जी मेरी सौरभ 3 महीने की सैलरी उनके पास पड़ी हुई है, और पता नहीं कि वो कब रिलीज होगी। इसी तरीके से कुछ लोगों की जून से ऑनवर्ड सैलरी अच्छा मैं पड़ी हुई है, मुख्तलिफ ड्यूज हैं उनके जो पेंडिंग। पेंडिंग। अच्छा मैं अगर आपकी इजाजत से आपका एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ। इस ट्वीट को आपने पिन किया हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको हर माह सैलरी मिल रही है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं, घर का रेंट, बिजली का बिल, खाना पीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह से मदद की अपील है और अल्लाह ये आसानियां करे। 8-10 सालों का कैरियर, एजुकेशन, तो आप, ये वो ट्वीट है जिसके ऊपर मुझे निकाला गया था। इस ट्वीट की वजह से आपको निकाला गया?
जी, ये वो ट्वीट है जिसको मैंने पिन किया हुआ है ताकि लोगों को मेरे अकाउंट पे आके ढूंढने की जहमत ना करनी पड़े। कि ये वो ट्वीट है जो आप पिन ट्वीट मेरा पढ़ रहे हैं, ये वो ट्वीट है जिसके ऊपर मुझे नौकरी से निकाला गया है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोगों का क्या लाया अमल है, क्या हिकमत अमली है? पाकिस्तान का मीडिया जो तंजीमें हैं वो किस तरह रोल प्ले करेंगी? अब होगा क्या आगे? देखिए, मैं कोई पहली या आखिरी बंदी तो नहीं हूँ, और आप चैनल ने निकाला है कोई भी वजह बनाकर, झूठी या सच्ची। बहुत से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको निकाला है, हमारे कंट्रोलर न्यूज रिजवान अवान को निकाला माजरत निकाला गया था नौकरी से, और इसके साथ साथ अभी भी लोगों की बर्तरफियों का सिलसिला जारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देर इज नो यूनिटी। मुझे निकाला गया तो 10 लोग खुश हो गए, हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ उसको भी निकाल दिया। कंट्रोलर न्यूज को निकाला तो उसके मुखालिफिन खुश हो गए, बहुत अच्छा उसको निकाला। ये तो रवैया है, तो इसके अंदर यूनिटी तो है नहीं। जब यूनिटी नहीं होती तो आपको पता है कि कोई भी चीज फ्रूटफुल होती नहीं है। अब जो तंजीमें हैं वो तो सोई पड़ी हैं, इदारे हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप किसी को कॉन्टेक्ट करके, किसी को ईमेल करके, किसी को मैसेज करके देख लें तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही बेबाक हैं, बहुत ही निडर हैं, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, तो किसी बंदे का खौफ होना तो बहुत ही दूर की बात है। वन लास्ट कमेंट, आपको क्या महसूस हो रहा है कि बोल न्यूज से ही कंट्रोल हो रहा है या कहीं और से कंट्रोल हो रहा है? देखिए, बोल न्यूज जब तक शुएब शेख के पास था तो शुएब शेख उसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, तो अब वो कहीं से भी कंट्रोल हो रहा हो क्या फर्क पड़ता है? अब तो वो एक छोटा सा चैनल बन के रह गया है जिसका कोई नाम लेना भी शायद पसंद नहीं कर रहा। देखिए, मैं इतने ट्वीट कर रही हूँ, लोगों को जरा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो पसंद ही नहीं कर रहे बोल को। शाइस्ता शहजाद, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट नेक्स्ट फॉर यू इन योर कैरियर? आपने बड़ा टाइम दिया मीडिया को, आपने बहुत टाइम दिया, आप लोगों की आवाज बनी है, आप लोगों के लिए बोली हैं, और आज जाहिर आपको भी जरूरत है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर यू इन लाइफ? तो और आप, मैंने एक चीज इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये सीखी है कि जब आप अपनी आवाज खुद बनते हैं ना, तो आपको किसी और की आवाज की जरूरत होती नहीं है। लेकिन जब आप अपने राइट के लिए खुद आवाज नहीं उठाते, जो आपके साथ हुआ होता है आप खुद बताने के काबिल नहीं होते, तो कोई भी आपके साथ खड़ा होता नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये सीखा है इस मीडिया इंडस्ट्री में, 12 साल से काम करने कर रही हूँ मैं, किया मैंने, कि यहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग नए आ रहे हैं इस मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर बड़े अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, सैलरीज बड़ी अच्छी मिलती हैं, तो सबसे पहले तो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। जितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर मिलती है, जितनी ज्यादा हैरेसमेंट मिलती है, जितनी ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी के साथ, वो कहीं भी किसी भी इदारे में नहीं मिलती। सबसे बड़ी गलतफहमी मीडिया के हवाले से हमने ये पैदा करके रखी हुई है लोगों के बीच में। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया सब कुछ है। अगर किसी को कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो यहाँ पर आए और उसको साबित करे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ तो अब मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना चाहती किसी भी तरीके से। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया पर काम करूँ, जो जो भी मैं कहना चाहती हूँ, हक और सच की आवाज, जो भी मैं बुलंद करना चाहती हूँ, जो भी मैं स्टोरी कवर करना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से करूंगी। आप देख भी रहे होंगे मेरे चैनल पर भी, इवन मैं अपने ट्विटर पर भी लिख रही हूँ। अब मेन स्ट्रीम मीडिया इज जीरो, नथिंग, ये खत्म हो चुका है। जिस तरह से हमने प्रिंट मीडिया को उड़ा दिया है ना, अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं आप बताएंगे? कितनी रेशियो है? हो भी नहीं है। डिजिटल के ऊपर हम अखबार पढ़ रहे होते हैं जी। तो इसी तरीके से ये जो चैनल्स हैं, जो खुद को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं मालकान, उनको भी पता चल जाएगा कुछ अरसे के अंदर कि ये जितना भी एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं, ये सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब ये खत्म हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुजश्ता कई महीनों से मावराए आइन, मावराए कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है,
वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।